हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप भी अपने घर पर ये किट लेके आ गए हैं हैंड मोल्डिंग कास्टिंग की या लाने के लिए सोच रहे हैं, इस वीडियो में मैंने सारी डिटेल्स डाली हैं कि इसे कैसे क्रिएट करना है, एक परफेक्ट हैंड मोल्डिंग कास्टिंग कैसे बनाना है और क्या चीज़ें अवॉइड करना है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। सो स्टेप वन के लिए, एक कंटेनर में आपको 3 लीटर पानी ले लेना है। पानी नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए, गरम या ठंडा पानी आपको नहीं लेना है। स्टेप वन मोल्डिंग पाउडर है, जिसको आपको पानी में डालते हुए हल्का हल्का हिलाते रहना है। वुडन स्टिक इसके साथ में आती है, उससे आपको इस तरह से हिलाना है। पानी में याद रहे किसी भी तरह के लम्प्स नहीं रहने चाहिए, अगर स्मॉल लम्प्स है तो चलेगा, लेकिन इसको आपको इस तरह से मिक्स करना है कि सारे लम्प्स जो है अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि अगर बड़े बड़े लम्प्स रह जाएंगे तो आपका मोल्डिंग कास्टिंग जो बनेगा उसके ऊपर वो बबल्स दिखाई देंगे। तो मेक श्योर आप अच्छे से कंटेनर को टैप करके और मिक्स करके इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें और एक अच्छा सा मिक्सचर क्रिएट करें। 60 सेकंड आपको इसमें लगाने हैं, 1 मिनट के अंदर ये हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको इसमें अपने हाथों को डाल देना है, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम लेने पर ये टाइट होने लगता है, ये जमने लगता है, इसलिए आपको ये सारा काम फटाफट करना होगा। जब आपका मिक्सचर रेडी हो जाए तो आपको इसमें हाथों को डालने से पहले मेक श्योर एम्प्टी कंटेनर में आप ये सब मिक्सचर बनाने से पहले हाथों की पोजीशन चेक कर लें कि आपको किस पोजीशन में अपने हाथ चाहिए। अभी हम लोग यहाँ पे बॉडी ऑयल अप्लाई कर रहे हैं ताकि हाथ जो है अच्छे से चले जाए और अच्छे से बाहर निकल जाए और हमारा मोल्डिंग कास्टिंग बिल्कुल भी उससे अफेक्ट ना हो। तो बैटर रेडी है और हाथ डालने के लिए हम लोग तैयार हैं। यहाँ पर आपको इस तरह से अपने पोजीशन में हैंड्स को डाल देना है। मेक श्योर आपके दोनों हाथों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस रहे, नहीं तो ये ब्रेक भी हो सकता है बीच में से। दोनों हाथों के बीच में डिफरेंस रहना चाहिए। बॉटम में आपको इसको टच नहीं करना है, आपको इसको मिडिल में ही रखना है। इसीलिए पानी की क्वांटिटी 3 लीटर आपको मेजर करके डालनी है। अभी आपको इस तरह से कम 3 से 6 मिनट रखना है। हमने यहाँ पे 6 मिनट रखा था, जो एक्यूरेट टाइम था वो 6 मिनट लगे थे इसको अच्छे से सेट होने में। जब ये सेट होगा अपने आप ही आपको लगेगा ये एक, ये कलर चेंजिंग नहीं है ये वाला जो हम यूज कर रहे हैं। कई सारे मार्केट में ऐसे आते हैं जिनका कलर चेंज हो जाता है, बट आप कलर चेंज पे बिलीव ना करके आपको खुद ही ये लूज लगने लगेगा, ये आपके हाथ को छोड़ने लगेगा धीरे धीरे। तो आप 6 मिनट के बाद देख सकते हैं धीरे धीरे आपको अपने हाथों को इसमें से रिमूव करना होगा। अभी ये जो है वो अच्छे से सूख गया है, अच्छे से ड्राई हो गया है। अब मैं धीरे धीरे यहाँ पे अपना हाथ निकालने का ट्राई करी हूँ। फर्स्ट टाइम जब आप ट्राई करेंगे तो आपको ये थोड़ा सा लगेगा डर निकालने में, लेकिन सारे प्रोसेसेस को बहुत ध्यान से पढ़ के समझ के आपको करना है, सो दैट आपका ये वेस्ट ना हो। बिल्कुल स्लोली स्लोली आपको जेंटली अपने हाथ को रिमूव करना है इसमें से, ताकि आपका जो कास्टिंग है, मोल्डिंग है, वो खराब ना हो। देखिए कितना इजीली दोनों हाथ निकल आए हैं और जो मोल्ड है वो बिल्कुल परफेक्ट। अभी हम स्टेप 2 पे आ गए हैं। स्टेप 2 जो है वो कास्टिंग स्टोन होता है, तो इसमें आपको ना टेस्टिंग किट भी मिलती है इसको ट्राई करने के लिए, जो हम फिंगर पे आप ट्राई कर सकते हो पहले इसको क्रिएट करने से, जिससे आपको पानी का लेवल समझ आ जाएगा। अभी करना क्या है, स्टेप 2 में आपको 100 ग्राम कास्टिंग स्टोन के साथ में 40 ml पानी डालना है। ये दोनों चीज़ें साथ में मिक्स होगी तो आपको खुद से समझना है। धीरे धीरे आप पहले पानी डाला थोड़ा सा, फिर उसमें कास्टिंग स्टोन डाला, मिक्स कीजिए। इसका जो बैटर है वो आप किस तरह का बनाएंगे, जो डोसा होता है डोसे के बैटर के जैसा आप बना सकते हैं। तो आपको ये बबल्स अवॉइड करने के लिए इसको बड़ा ही स्मूथली मिक्स करना है। मैंने यहाँ पे वीडियो फास्ट कर रखा है इसलिए आपको फास्ट लग रहा है। धीरे धीरे पानी डालिए, कास्टिंग स्टोन डालिए एंड आप इसको बिना एयर बबल्स के आपको क्रिएट करना है, सो दैट जब आप इसको पोर करेंगे अपने मोल्ड में तो ये अच्छे से वहां पे चला जाएगा, बबल्स नहीं रहेंगे और मोल्ड अच्छा बनेगा। आप अभी धीरे धीरे आपको अपना मोल्ड में इसको फिल करना शुरू करना है। आप ऐसा ना करें कि सारा एक बार में डाल दें, धीरे धीरे आपको इसको डालना है, फिर अपने कंटेनर को टैप करना है ताकि हर एक कोने में, हर एक एज में आपका ये जो कास्टिंग स्टोन है वो चला जाए।
जब आपको लगे कि आपने इसको अच्छे से फिल कर लिया है, आपको इसको ऊपर तक सारा फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको इसको 4 से 5 घंटे तक ड्राई करने के लिए छोड़ देना है। ये अपने आप ही रबड़ी फॉर्म में निकल आएगा, रबड़ी फॉर्म में निकलेगा, बड़ा इजीली आपसे रिमूव हो जाएगा। तो इसको अभी डाल के 5 घंटे के लिए हमने छोड़ दिया है। तो हमारा मोल्ड जो है वो यहाँ पे रेडी हो गया है। 5 घंटे बाद हम इसे देख रहे हैं कि अच्छे से ड्राई हो चुका है। इसको हमको बस पलट देना है। आप कोई भी पॉलिथीन या पेपर रख ले नीचे और इसको इजीली इस तरह से आपको पलटना है। इसके ऊपर का जो पार्ट है वो आपको बहुत धीरे धीरे से रिमूव करना है। ये इम्प्रिंट कास्ट है, या तो आप चाकू ले लीजिए, चाकू से निकाल दीजिए, धीरे धीरे आपको फील हो जाएगा। एकदम से नहीं निकालना है बिकॉज आपका जो हाथ है वो भी डैमेज हो सकता है, आपको दिख जाएगा। तो फिर आप उसके साइड से धीरे धीरे ये निकालना शुरू कर दीजिए। अब जो माइनर इम्प्रिंट कास्ट रह गया है आपको उसे एक वुडन स्टिक से निकाल लीजिए, या फिर चाकू से निकाल लीजिए। इस तरह से जब आप निकालेंगे हाथ का, आपको एक एक आपके हाथ की जो डिटेल्स है वो दिखेगी, आपको देख के पता चल जाएगा कि हाँ ये मेरा हाथ है। तो बहुत ही सुंदर डिटेलिंग इसमें आती है, बिल्कुल एक्चुअल जैसा आपका हाथ है वैसा ही आपको ये मोल्डिंग कास्टिंग वाला हाथ लगने वाला है। इसके बाद में आप इसको ये निकाल के 30 मिनट तक आपको इसको ड्राई करने के लिए छोड़ देना है। 3 दिन बाद आप इसको कलर कर सकते हैं। कलर इस पैकेट के साथ में ही आता है इस पैक। और इस एक और चीज़ इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने जो परचेज़ किया है वो मैंने इसके स्टैंड के साथ में परचेज़ किया है। अगर आप विदाउट स्टैंड खरीदना चाहते हैं तो 1000 रुपये के अंदर अंदर आ जाएगा। मैंने जो खरीदा है वो 1400 रुपये का पड़ा है। ये कपल हैंड मोल्डिंग कास्टिंग है। इसके अलावा भी आप चाहें तो बेबी का कास्टिंग खरीद सकते हैं, बेबी मोल्डिंग कास्टिंग भी अवेलेबल है। जिस तरह का आपको परचेज करना है वो आपको मिल जाएगा। मैंने कुछ लिंक्स डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जाके खरीद सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, सब लोग ट्राई कर रहे हैं। आप भी एक बार ट्राई करें और मुझे बताना कि कैसा लगा।